प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का पार्ट वन। तो देखिए दोस्तों, हम बायोलॉजी के बारे में जानने की चर्चा करेंगे आपके साथ। तो बायोलॉजी है क्या, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बायोलॉजी है वो एक विज्ञान की शाखा है। किसकी शाखा है भाई? विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंतर्गत मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जीव विज्ञान। क्या लिख देता हूँ भाई? जीव विज्ञान। भाई इसका अर्थ क्या होता है? भाई इसका अर्थ क्या होता है? जीव बायोलॉजी का अर्थ होता है इसका बायो प्लस लोगस, यानी कि जीवन का अध्ययन। इसका अध्ययन भाई, जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। तो देखिए बायोलॉजी मैं मेंशन करना चाहूँगा, ये कितने शब्दों से मिलकर बना होता है भाई? दो शब्दों से। कितने शब्दों से भाई? दो शब्दों से मिलकर बना होता है भाई। दो शब्दों से मिलकर बना होता है बायो प्लस लोगस, जिसका अर्थ क्या होता है भाई? जीवन का अध्ययन। इसका अध्ययन भाई, जीवन का अध्ययन। तो आप डेफिनेशन क्या देंगे भाई, परिभाषा क्या देंगे? देखिए भाई परिभाषा क्या देंगे, ये विज्ञान की वह शाखा। इसके साथ है भाई, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है जीवधारियों का। भाई बात आती है भाई जीवधारियों का अध्ययन क्या है भाई? जीवधारी। बात आती है भाई किसकी? जीवधारी की। बात किसकी आती है भाई? जीवधारी की। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं भाई? ऑर्गेनिज्म। भाई जीवधारी क्या होते हैं? अब आप देखते होंगे कि आपके जो लाइफ आपका जीवन है, तो आपके चारों ओर आसपास आप देखते होंगे कि जो जीव जंतु है या फिर पेड़ पौधे हैं, आप विभिन्न प्रकार के जीव जंतु देखते हैं, गाय भैंस बकरी या बिल्ली, या फिर पेड़ पौधे देखते होंगे आप, बबूल है, आम का है, नीम का, पीपल का, ये बहुत सारे हैं पेड़ पौधे और जीव जंतु जो क्या कहलाते हैं? जीवधारी कहलाते हैं। और जो इनकी जो स्टडी की जाती है वो एक विज्ञान की पर्टिकुलर एक शाखा है जिसके अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम? ये आता है जीवधारी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं भाई? पेड़ पौधे। कौन कौन आते हैं भाई? देखिए पेड़ पौधे और कौन आते हैं भाई? जीव जंतु। क्या आते हैं भाई? जीव जंतु। देखिए तो मैं कुल मिलाकर बात की हुई कि विज्ञान की वह शाखा। इसकी शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसको बायोलॉजी कहा जाता है। जीवधारी क्या है? पेड़ पौधे और जीव जंतु। आगे चलते हैं भाई, बायोलॉजी जो शब्द था क्या था भाई? बायोलॉजी जो शब्द था उसका सर्वप्रथम यूज किसने किया भाई? किसने किया? दो साइंटिस्ट थे। क्या थे भाई? दो वैज्ञानिक थे। कितने वैज्ञानिक थे भाई? दो वैज्ञानिक थे। देखिए पहले वैज्ञानिक का नाम मैं लिखना चाहूंगा लेमार्क। क्या था भाई? लेमार्क। दूसरे का नाम क्या भाई? ट्रेवी रेनस। क्या भाई? ट्रेवी रेनस। जो लेमार्क नाम का जो वैज्ञानिक था वो कहाँ का था भाई? कौन सी कंट्री का था? ये था फ्रांस का। कहाँ का था भाई? फ्रांस का। मैं लिखना चाहूंगा फ्रांस। ये कहाँ का था भाई? जर्मनी का। ये कहाँ का था भाई? जर्मनी का। देखिए जो बायोलॉजी शब्द है उसका सर्वप्रथम यूज किसने किया भाई? कब किया? तो मैं बताना चाहूंगा कि लेमार्क और जो ट्रेवी रेनस नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कब किया? सन 1801। कब? सन 1801 में। कब किया भाई? सन 1801 ईस्वी में। कब किया भाई? सन 1801 ईस्वी में। तो देखिए मैं रिपीट करना चाहूंगा एक बार, बायोलॉजी क्या है? देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवधारियों का अध्ययन। भाई जीवधारी क्या है? पेड़ पौधे और जीव जंतु। पेड़ पौधे और जीव जंतु इसके अंतर्गत आते हैं। फिर बात की हमने कि जो बायोलॉजी शब्द है उसका सर्वप्रथम यूज किसने किया? भाई सर्वप्रथम यूज किसने किया भाई? लेमार्क और ट्रेवी रेनस ने। कब किया? 1801 में। लेमार्क कहाँ का था भाई? फ्रांस का।
ट्रेवी रेनस कहाँ का था भाई? जर्मनी का। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई। अब बात आती है बायोलॉजी की विकास की। बायोलॉजी का जो विकास हुआ है वो एक साइंटिस्ट थे, क्या थे भाई? एक वैज्ञानिक थे, अरस्तु नाम थे। क्या नाम था भाई? अरस्तु। अरस्तु नाम के वैज्ञानिक थे जिसके जीवन काल में, किसके जीवन काल में? अरस्तु के जीवन काल में इसका क्रमबद्ध तरीके से, किस तरीके से भाई? सिस्टमैटिक तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से विकास किसके काल में हुआ? अरस्तु के काल में हुआ। किसके काल में हुआ? अरस्तु के काल में। और जो अरस्तु है, मैं बात करना चाहूंगा फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है भाई? अरस्तु को। किसको कहा जाता है भाई? अरस्तु को। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। बात आती है कि भाई अरस्तु को ही फादर ऑफ बायोलॉजी क्यों कहा जाता है? अच्छा, तो क्या था जो सर्वप्रथम जो अरस्तु नाम का जो वैज्ञानिक था, इसके काल में ही सिस्टमेटिक तरीके से बायोलॉजी का क्या हुआ भाई? डेवलप हुआ, विकास हुआ। और इसने क्या किया? सर्वप्रथम जो पेड़ पौधे हैं, विभिन्न जो आप आस पास चारों ओर देख सकते हैं जीव जंतु है, उनके बारे में, विभिन्न पक्षों के बारे में, इसके बारे में विभिन्न पक्षों के बारे में अपने मत प्रकट किए, अपने कथन को बताया। ठीक है, अपने कथन को बताया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इससे चलने के आगे अब बात करना चाहूंगा विज्ञान की कुछ शाखाएं इंपॉर्टेंट, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, इंपॉर्टेंट ब्रांच, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। भाई ब्रांचेज का मतलब ये है कि जैसे विज्ञान की शाखा थी बायोलॉजी, जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसी तरीके से बायोलॉजी की भी शाखा है। उसी तरीके से किसकी शाखा है भाई? बायोलॉजी की भी बहुत सारी शाखाएं, कुछ इंपॉर्टेंट शाखाएं मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, जैसे मछलियों का अध्ययन है, या फिर कवकों का अध्ययन है, या फिर शैवालों का अध्ययन है, या फिर वृक्ष का, झाड़ियों का जो अध्ययन है, वो एक पर्टिकुलर शाखा के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? एक पर्टिकुलर शाखा के अंतर्गत। उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो मैं नाम लिखना चाहूंगा यहाँ पे। देखिए पहला नाम यहाँ पे देखिए, एपिकल्चर। क्या भाई? एपिकल्चर, एपिकल्चर। एपिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है भाई? एपिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है भाई? किसका? मधुमक्खियों का। किसका भाई? मधुमक्खियों का अध्ययन। इसमें क्या जाता है भाई? मधुमक्खी पालन, पालन का अध्ययन, मधुमक्खी पालन का अध्ययन। अच्छा, दूसरा देखिए, दूसरा देखिए पीसी कल्चर। क्या नाम है भाई? पीसी कल्चर। देखिए पीसी कल्चर, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है भाई? मत्स्य पालन का। किसका भाई? मत्स्य पालन का। देखिए मत्स्य पालन का। तीसरा देखिए शहरी कल्चर। क्या भाई? शहरी कल्चर। क्या भाई? शहरी कल्चर। इसके अंतर्गत किसका किया जाता है भाई? रेशम कीट पालन का। किसका भाई? रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन करते हैं। किसके अंतर्गत किया जाता है भाई? शहरी कल्चर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत भाई? शहरी कल्चर के अंतर्गत। देखिए चौथा, चौथा क्या है भाई? मैं लिखता हूँ यहाँ पर माइकोलॉजी। क्या लिखता हूँ भाई? माइकोलॉजी। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है भाई? कवकों का अध्ययन। किसका भाई? कवकों का, फंजाई का। किसका भाई? कवक, कवकों का अध्ययन। किसका भाई? कवकों का अध्ययन। चलिए पांचवा, फाइकोलॉजी। क्या भाई? फाइकोलॉजी।
इसमें किसका अध्ययन किया जाता है भाई? फार्माकोलॉजी में इसमें क्या जाता है? सेवालों का। किसका भाई? एल्गी का। क्या बोलते हैं इसको? एल्गी बोलते हैं। सेवालों का अध्ययन, सेवालों का अध्ययन। देखिए एपिकल्चर, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ये जितनी भी ब्रांच है इनमें अध्ययन किया जाता है अलग अलग स्पीसीज का। किसका भाई? अलग अलग स्पीसीज का। एपिकल्चर में किसका भाई? मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। पिसिकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। और सेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है भाई? रेशम कीट पालन का अध्ययन। और माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन और फाइकोलॉजी में सेवालों का अध्ययन। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं भाई। सेल्वी कल्चर, छठा क्या था भाई? सेल्वी कल्चर। देखिए देखिए भाई, सेल्वी कल्चर इसमें किसका अध्ययन किया जाता है भाई? इसमें क्या होता है? कास्ट ईयर। किसका भाई? कास्ट ईयर। कौन कास्ट ईयर? कास्ट ईयर पेड़ों का संवर्धन, कास्ट ईयर पेड़ों का संवर्धन। यहाँ पे आएगा ये संवर्धन, कास्ट ईयर पेड़ों का संवर्धन। ठीक है, आगे चलते हैं पोमोलॉजी। क्या लेते हैं भाई? पोमोलॉजी। इसमें किसका अध्ययन किया था भाई? देखिए देखिए फलों का अध्ययन। किसका अध्ययन भाई? फलों का, फलों का भाई। देखिए सेल्वी कल्चर में किसका भाई? कास्टिंग पेड़ों का संवर्धन। तो इसकी जो स्टडी है वो किसके अंतर्गत? बायोलॉजी की शाखा सेल्वी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका किया जाता है भाई? फलों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है भाई? फलों का अध्ययन किया जाता है। देखिए भाई किसका अध्ययन किया जाता है भाई? सेल्वी कल्चर का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई। देखिए ओफियोलॉजी, क्या लिखता हूँ मैं? ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी इसके अंतर्गत किसका किया जाता है भाई? सर्पों का अध्ययन। किसका भाई? देखिए सर्पों का अध्ययन, सर्प, सर्पों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है भाई? ओफियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अलग अलग तरीके के सांप है जो कि दूसरी कंट्री में पाए जाते हैं, अपनी कंट्री में पाए जाते हैं। देखिए और क्या है भाई? देखिए देखिए भाई, मैं लिखता हूँ यहाँ पर एंथियोलॉजी। क्या लिखता हूँ मैं? थियोलॉजी। इसमें किया जाता है किसका भाई? पुष्पों का अध्ययन। किसका भाई? पुष्पों का अध्ययन। पुष्पों का अध्ययन किसमें किया जाता है भाई? एंथ्रोलॉजी में। देखिए भाई देखिए एंटोलॉजी, इसकी बात आती है भाई एंटोलॉजी की। इसमें किसका किया जाता है भाई? कीटों का अध्ययन। किसका भाई? कीटों का। देखिए कीटों का अध्ययन किसका भाई? कीटों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है भाई? एंटोलॉजी के अंतर्गत। देखिए भाई एंटोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन, एंथ्रो के अंदर पुष्पों का, और ओफियोलॉजी के अंतर्गत सर्पों का। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए अच्छा ये बात हो गई बायोलॉजी की शाखाओं की। किसकी भाई? बायोलॉजी की शाखाओं की बात।